प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मजदूर किसान महापंचायत हुई। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार किसानों से किए वादों को पूरा नहीं कर रही है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजेश टिकैत ने भी प्रदर्शन में शामिल हुए। हजारों की तादाद में किसान सुबह 11 बजे से इको गार्डन में इकट्ठा हुए और लगातार किसानों का पूरा प्रदेश से आने का सिलसिला जारी रहा। एक दर्जन से ज्यादा किसान संगठन लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। सर, लखनऊ इको गार्डन में आप आए हैं, क्या कहना है? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकारें किसानों को मारकर एक दो चार घरानों को, जो कारपोरेट घरानों को जो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब देश के सामने आना चाहिए। जिस तरह से हमारे 750 किसानों ने जो हमारे किसान आंदोलन में दम तोड़ दिया था, हम उसका पाई पाई का हिसाब करने आए हैं। जिस तरह से हमारे देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, किसानों को बर्बाद करने का बिल्कुल षड्यंत्र रचा जा रहा है, अब ये भारतीय किसान यूनियन ये षड्यंत्रों को, कुछ चक्रों को माफ नहीं करेगी। इन्हें ऐसे लोग जो 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। आगरा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज हम सुबह आगरा से चल करके पूरे अपने मंडल के मथुरा से आए हुए हमारे साथी हैं और फिरोजाबाद से भी हैं, और यहाँ पर हम अभी आकर के पहुँचे हैं। हमें देख करके बड़ी खुशी हो रही है, इतनी संख्या में यहाँ पे पिछली बार भी आए थे, पिछली बार से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है और अभी पीछे बहुत काफिला आ रहा है। हमारे मंडल का फिरोजाबाद का काफिला करीब 45 गाड़ियों का अभी पीछे आ रहा है, और आगरा से, जनपद आगरा से जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया ये लेकर के आए हैं, कम से कम 30-35 गाड़ी इनकी आ चुकी हैं और पीछे आ रही हैं। और मैनपुरी के प्रशासन ने मैनपुरी के किसानों को नजरबंद कर रखा है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रशासन को। और वहां पर काफी प्रयास के बाद भी मैनपुरी से उनको निकलने नहीं दिया है। फिर जिलाध्यक्ष से बातचीत हुई है तो उन्होंने कोतवाली मैनपुरी पर धरना दे दिया है, वो वहीं पर धरने में बैठे हुए हैं। की बात कही थी आप लोगों ने कि राज्यपाल के पास जाएंगे, राजभवन जाएंगे, ज्ञापन देंगे, तो क्या लगता है पहुंच पाएंगे? क्योंकि सुरक्षा तो तमाम चौराहों पर बढ़ा दी है, पुलिस वहां मुस्तैद है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व वहाँ बैठे हुए हैं, परम आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, उनका जैसा आदेश होगा ज्ञापन भी देंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, ज्ञापन भी दिया जाएगा राजभवन जाकर के। एक आंदोलन आप लोगों ने किया, 1 साल 15 दिन तक आपका आंदोलन चला, लगभग 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी कुछ, लेकिन उससे हासिल नहीं हुआ, तो क्या लगता है अब आप लोग जो शुरू कर रहे हैं दोबारा एक बार इससे कुछ? अरे, सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, केंद्र की सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। उन्होंने 13 महीने आंदोलन पर जब तीनों कानून वापस लिए, लिखित में समझौता हुआ, MSP पर गारंटी सबसे हमारी बड़ी मांग थी, गारंटी पर लिखित में समझौता हुआ, उन्होंने समझौते पर उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया है। हम आज लखनऊ में इस वजह से आए हैं कि यहाँ संदेश देंगे और सरकार हमारे बात को मानने के लिए बाध्य होगी, नहीं तो एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है और एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। जिस तरह से आपका संगठन है, ऐसा ही तमाम किसानों के संगठन है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, आपस में बिखर रहे हैं, तो क्या ऐसा वजह रही है कि आप लोग पहले एकजुट होकर के महापंचायत करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब अलग हो रहे हैं? क्या इसमें कोई सरकार का हाथ है, किस तरह से क्या बोल रहे हैं? ये सरकार ही तो करा रही है, कोई नई सरकारी यूनियन बना रही है, सरकार के संकेत पे ही ये सब काम हो रहे हैं, तोड़ने का काम करती है सरकार। सरकार किसान संगठन को कमजोर करने का काम कर रही है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। अरे, ताकत है तो सामने आके लड़ो। आज हम लखनऊ में आए हैं, राजभवन का घेराव भी करेंगे, हमारे परम आदरणीय राकेश टिकैत जी कहेंगे तो हम वहाँ भी जाएंगे। लखनऊ में आतंकवाद